जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विराट चौधरी, आपका फौजी भाई। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत जो YouTube पे अभी जो सोशल मीडिया पे एक बवंडर चल रहा है, तो उसके बारे में आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। कान से सुनिए, अच्छे से ध्यान लगा के सुनिए, आपके लिए है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि मैं 2017 में भर्ती हुआ था, वो वैकेंसी 2014 की थी। 2014 में वैकेंसी आई थी, 2015 में हमारी रनिंग हुई थी, और 2016 में हमारा पेपर हुआ था, और 2017 में फिर हमको ज्वाइनिंग मिली है। तो मतलब 2.5 से 3 साल का टाइम लगता है SSC GD में दोस्तों। तो आपको जो लोग बोल रहे हैं कुछ कि SSC GD की ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, तो आपको जब पता है दोस्तों, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 60,000 पोस्टें की वैकेंसी आ रही है, 85,000 जो मेडिकल पास किए उन सभी को ज्वाइनिंग देते। ऐसा कभी होता क्या? फिर मेरिट का क्या मतलब है दोस्तों? ऐसा कभी कुछ नहीं होता। आप पढ़िए, क्योंकि अगर 60,000 की वैकेंसी है और 85,000 को ज्वाइनिंग दे देंगे, जो भाई फेल हो रखे हैं पेपरों में, उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा क्या? 25,000 अभी पोस्टें बढ़ लेंगे तो वो क्या करेंगे? आप केवल 85,000 हो, वो कितने हैं? उनका भी तो सोचिए, वो जो फेल हुआ उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि एक ही बार में पूरी वैकेंसी भर लेंगे तो वो फिर वापस आंदोलन कर देंगे तब? अब तो 85,000 वो कितने लोग हैं? ऐसा आज तक नहीं हुआ कभी, और ना कभी होगा। जितनी नोटिफिकेशन में शुरुआत में जितनी वैकेंसी आती है उसको बढ़ाया नहीं जाता है। तो आप दोस्तों इनके चक्कर में मत पड़िए, ध्यान रखिए। हमारी वैकेंसी की मैं बता दिया इतना टाइम लगा है। कोई भी अगर माँ बनती है तो एक बच्चे को पैदा होने के लिए कम से कम 9 महीने का टाइम लगता है दोस्तों। आपके आवाज़ करने से, चिल्लाने से 4 महीने में बच्चा पैदा नहीं होता है। आपको पता है कि देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति रही है जिसमें किसी का रीमेडिकल या मेडिकल की प्रोग्रेस नहीं हुई है, कई स्टेट में नहीं हुई थी, जो अभी तक लास्ट महीने तक चल रही थी। तो जब लास्ट महीने तक रीमेडिकल हो रहा था दोस्त, आप सोचिए इतनी बड़ी वैकेंसी है, बोर्ड को टाइम तो लगेगा। और अब आखिर का समय है, जब आखिर का समय है तो बोर्ड को टाइम तो लगेगा ना सीटें सेलेक्ट, वो सब कुछ सेलेक्ट करने में। आप बोल रहे हो कि 85,000, अब आप उन 85,000 में से 60,000 मेरे भाई आने वाले कुछ दिनों में, 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है दोस्तों। 2 महीने से ज़्यादा 2 महीने या 3 महीने का लास्ट टाइम है, इसके अंदर अंदर आपकी 100% ज्वाइनिंग आने वाली है दोस्तों। तो कुछ भाई फौजी भाई बनने वाले हैं, तो जब आपको पता है कि आपका नंबर आ गया, आपको पता है कट ऑफ से मेरे 4, 5, 6, 8, 10 नंबर ज़्यादा है, आपका श्योर सिलेक्शन है, तो क्यों इन चीज़ों में पढ़ रहे हो? आप 2-3 महीने में भूखे नहीं मर जाओगे बेरोजगारी के नाम पे कि आप प्रदर्शन में ये जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ? अगर आप जब जा रहे हो, आपको जब लोग भ्रमित करके वहाँ बुला रहे, ये करो वो करो, आप जा रहे हो, अगर 2 महीने बाद में आपकी ज्वाइनिंग और आपके पैर के या हाथ के या सर में कहीं पे भी, पीठ पे कहीं पे भी चोट आ गई, आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी SSC GD, ध्यान रखना। क्योंकि फिटनेस आपकी ये नहीं कि आपका एक बार मेडिकल हो गया तो उसके बाद में मतलब आप तो बस सेलेक्ट हो, ट्रेनिंग भी करनी है, ट्रेनिंग तक भी वापस भेजते हैं अगर फिट नहीं हुआ तो। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अगर कहीं पे भी चोट आ गई, ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे दोस्तों, मैं घर पे बैठिए, आप तैयारी करिए और एग्ज़ाम की। आपको लगता है कि नंबर नहीं आएगा तो तैयारी करिए, आपके आंदोलन करने से 60,000 की वैकेंसी 85,000 नहीं होगी। आपको जो लोग बोले ना कि देश में 1,00,000 सीटें खाली है, वैसे तो सभी पुलिस फोर्सों में सब जगह सीटें खाली है, तो क्या वो ऐसी भर्ती कर लेंगे सबको? नहीं। फिर मेरिट का क्या मतलब हुआ? ऐसे नहीं होता दोस्तों, मेरिट डिसाइड करेगी। 60,200 की वैकेंसी है तो 60,200 ही पोस्ट ली जाएगी, उसके बाद में जो बचे हैं ना, जो आप बोल रहे हो ना 40,000 और वैकेंसी खाली है, तो अगली और वैकेंसी दे देंगे वो, ज़रूरी थोड़ा ना उनको इसी में कोटा पूरा करेंगे वो। क्योंकि अगर इसी में कोटा पूरा कर लेंगे तो पूरा देश में जो लोग बेरोजगार युवा है जिनका कोई चांस भी नहीं है, वो इस वैकेंसी में फेल हो गए किसी भी कारणवश, तो वो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो आंदोलन नहीं करेंगे क्या? तो आप इन बातों में मत आइए। अब लास्ट के 1-2 महीना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, ध्यान से रहिए, घर पर रहिए अच्छे से। ऐसा कभी नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ है, किसी के बहकाव में मत आइए कि आपको ऐसा हो जाएगा ऐसा। अगर आप में से मान लो 1, 2 या 4 या 5 बंदे जिनके प्लस कट ऑफ से 4 या 5 नंबर है, शॉर्ट सिलेक्शन है, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो दिल्ली गया या कहीं पे भी गया, कहीं धरना प्रदर्शन में गया, खुदा न खासा किसी रैली में गया, पैर के चोट लग गई, हाथ के चोट लग गई, टाइम होने में 6 महीने लग जाएंगे तैयार होने में, 2 महीने बाद में ज्वाइनिंग आ जाएगी, फिर आपके लिए कौन वहाँ धरना करने आएगा SSC GD के सेक्टर में? आपके डिपार्टमेंट में जब आपको पोस्टिंग मिलेंगी वहाँ पर कौन आएगा? वहाँ पर आपको वापस लेटर लिख के दे देंगे, चलो जाओ मेडिकल वापस होगा आपका। और जब वापस मेडिकल होगा ना, फिर आपके लिए कोई अकेले 1 या 2 या 4-5 बंदों के लिए कोई वहाँ बैठने नहीं आएंगे। लोग अपना फ़ायदा उठाने के चक्कर में ये वो ये, इस बाउंडर में मत पढ़ो दोस्तों। आप पढ़ने वाले हो, आपको पढ़ाई करनी है, आपको जॉब लगना है, अपने माँ बाप ने जो सपना देखा वो पूरा करना है, किसी के बहकाव में आप अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। वो आस लगाएं बेटे आपकी इस भर्ती से कि भाई अब मेरा बेटे का नंबर आने वाला है, अब मेरे बेटे का नंबर है। बेटा कहीं गया ऐसी जगह, वहाँ पर चोट खा के आ गया, फिर प्लास्टर बांध के पैर के हाथ के बैठा है। हमने देखा है दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट इस टाइम पे। एक्सीडेंट अवॉइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा घूमना नहीं है, क्योंकि जब आपको 2.5 साल भूखे नहीं मरे हो, 3 महीनों में मर जाओगे क्या बेरोजगारी के नाम पे? खेती का काम कर लो, कुछ भी काम कर लो 3 महीने, ऐसा
आपके आंदोलन करने से वैकेंसी जल्दी नहीं होगी, जिसकी जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस से चलेगी और काम जैसे होना है वैसे होगा। तो आप इसको छोड़िए, आप पढ़ने वाले हो, आप पढ़ाई पे ध्यान रखो और तैयारी करो, क्योंकि डिपार्टमेंट में आ जाओगे तो इसका जरूरत तो है नहीं कि आपकी यही लगी आगे नहीं बढ़ना है। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और किसी के बहकाव में मत आइए दोस्तों, अपनी तैयारी रखिए। और बहुत जल्द मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत जल्द यानी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। इसके बारे में और भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और आपको इससे संबंधित ज्वाइनिंग से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित अगर आपको वीडियो की ज़रूरत है या किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनूँ आप मेरे को बताना दोस्तों, मैं आपको अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊँगा जिस पर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे कि इस टॉपिक पर सर वीडियो बनाओ, तो उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।